गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सोशल साइंस बुक SST। ये आपका SST का बुक है, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 2 का एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 2 में आप देखिए, आपका चैप्टर 2 का चैप्टर है माई वंडरफुल बॉडी। हमारा जो बॉडी है वो वंडरफुल है। लर्न अबाउट दिस चैप्टर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इस चैप्टर में हम लोग अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे और सेंस ऑर्गन के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए, इस पिक्चर को देखिए, लुक एट दिस। आपका ये पूरे बॉडी पार्ट्स का पिक्चर है। आपका वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, देखिए, हेयर, हेड, आई, ईयर, माउथ, नोज, चेस्ट, शोल्डर और हैंड, फिंगर, नी, फीट, लेग। आवर बॉडी इज मेड अप मेनी पार्ट्स। ऑल पार्ट्स आवर बॉडी हेल्प अस टू डिफरेंट थिंग्स। वी हैव टू लेग्स, टू फीट, विच हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, जंप, रन। हमारा जो बॉडी है वो मेनी पार्ट से बना हुआ है और ऑल पार्ट्स, जितने भी सब पार्ट्स हैं, सबका जो है अलग अलग वर्क है और हम लोग जो है सबके हेल्प से अलग अलग वर्क करते हैं। जो टू लेग्स हम लोग का है, उसके वजह से, उसके हेल्प से हम लोग जो है खड़े होते हैं, वॉक करते हैं, जंप करते हैं, रन करते हैं। फिर आपका है टू हैंड्स। वी हैव टू आर्म्स एंड टू हैंड्स, विच हेल्प अस टू राइट, होल्ड थिंग्स, कैच, थ्रो एंड ईट फूड। हेल्प, टू हैंड के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं, कोई चीज़ जो है पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। हम लोग भोजन भी हैंड से करते हैं। फिर आपका आता है आवर आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये देखिए आपका पिक्चर में दिया हुआ है। हेल्प अस टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड अस। ये 5 जो है हमारा सेंस ऑर्गेन है, इसके हेल्प से हम लोग जो है अपने चारों बगल क्या है चारों ओर वो हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये सारे जो भी हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सब क्या कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन। ऑल बॉडी पार्ट्स आर यूजफुल टू अस। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सब हमारे लिए यूजफुल हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी कीप आवर बॉडी पार्ट्स हेल्दी एंड क्लीन। और हमारा क्या ड्यूटी है कि हम अपने सारे पार्ट्स को जो है हेल्दी एंड क्लीन रखें। अब यहाँ देखिए आपका लेट अस रिव्यू, इसको लर्न करने का है, रहता है। आवर बॉडी इज़ मेड अप डिफरेंट पार्ट्स, दीज पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। वी हैव 5 सेंस ऑर्गेन, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए आपका यहाँ पे आ गया टिक द करेक्ट ऑप्शन। द कलर ऑफ माई ब्लड, अपने अपने शरीर का ब्लड आप लोग सब देखे होंगे, कभी भी कट जाता है गिरने से जो भी, तो ब्लड जो निकलता है वो कैसा कलर का रहता है, रेड। फिर है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट क्या है, स्किन। आप अपने बॉडी में देखिए, हर जगह आपको स्किन दिखेगा। दे हेल्प अस टू सीट, स्टैंड एंड वॉक। किसके हेल्प से हम लोग जो है बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं एंड वॉक कर सकते हैं, तो लेग है। वी मस्ट कीप आवर बॉडी, हम लोगों को अपने बॉडी को क्या करना चाहिए, नीट रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और हेल्दी रखना चाहिए। ये तीनों चीज़ हम लोग रख सकते हैं। फिर आपका देखिए है नेम 5 पार्ट्स आवर बॉडी विच आर प्रेजेंटिंग। पेयर है और सिंगल है। आपको 5 पार्ट्स जो है
बॉडी का जो पार्ट्स है उसमें से जो पेयर पार्ट्स है उसको इसमें लिखना था, और जो सिंगल पार्ट्स है वो नीचे सिंगल में लिखना था। तो ये आप बना चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आपका है विच सेंस ऑर्गन विल आई यूज इट, किस सेंस ऑर्गन से हम लोग क्या क्या करते हैं। जैसे रीड ए स्टोरी बुक, तो स्टोरी बुक को रीड करने के लिए हम लोगों को कौन सा सेंस ऑर्गन चाहिए, तो आई चाहिए। स्मेल ए रोज, अगर रोज का हम लोग को खुशबू लेना है तो किसका हम लोग यूज करेंगे, नोज का। लिक एंड आइसक्रीम, जब हम लोग आइसक्रीम को खाते हैं तो हम लोग किससे खाते हैं, टंग से। लिसन टू माई टीचर, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप किससे सुन रहे हैं, ईयर से। हग माई मदर, जब आपकी मम्मी आपको गले लगाती है तो वो क्या, आप कहाँ सटते हैं, स्किन से। तो इस तरह आपका ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है, इस ये पिक्चर है जिससे हम लोग अपने बॉडी को क्लीन करते हैं। आपको उसका नाम लिखना है, आप इसका नाम आप लिख चुके हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, कॉम कंघी, सोप, फिर है टूथब्रश, पेस्ट, फिर ये क्या है टॉवेल, और ये क्या है हेयर ऑयल। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट ऑल कैन यू डू विथ योर लेग्स, आप अपने लेग्स से क्या कर क्या कर सकते हैं। व्हाट आर यूजेज ऑफ योर हैंड्स, अपने हैंड्स से आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द सेंस ऑर्गेन, सेंस ऑर्गेन क्या है, नेम उसका, और उसका नेम लिखना है। और राइट टू वेज कीपिंग योर बॉडी क्लीन, दो तरह से आपको अपनी बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हैं वो लिखना है। यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है लर्न बाई डूइंग, ईयर हेल्प अस, ये आपका दिया हुआ है पजल। एक नंबर में आपको भराएगा कि ईयर हेल्प अस, तो ईयर हेल्प अस क्या होता है, हियर, तो एच ई ए दिया हुआ है, आर लिखना है। आई हेल्प अस, आई से आप क्या करते हैं देखते हैं, तो देखिए एस लिखा हुआ है, डबल ई लिखना है। स्किन हेल्प अस, थ्री नंबर में देखिए फील करते हैं स्किन से, तो एफ लिखा हुआ है, डबल ई एल। फिर टंग हेल्प अस, नोज हेल्प अस, फोर्थ में है नोज हेल्प अस। स्मेल, नोज के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं, तो एस ई क्या हो जाएगा आपका, एस एम ई डबल एल। फिर है यहाँ पे टंग हेल्प अस, फाइव में टंग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो टी ए एस टी ई, टेस्ट। तो इस तरह आपका ये पजल आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आपको उसका क्या करना है कि कौन सा जो है, जो पिक्चर है कौन स्वीट्स है, कौन साल्टी है, कौन सोर है, कौन बिटर है। बीटर मीन्स होता है कड़वा, सोल मीन्स होता है खट्टा, और साल्टी मीन्स होता है नमकीन, और स्वीट मीन्स होता है मीठा, ये आप लोग तो जानते हैं। अब फटाफट पिक्चर देखिए, सब पिक्चर आपको दिख रहा है, अब इसमें भरते जाइए कि कौन सा मीठा है, कौन नमकीन है, कौन खट्टा है, और कौन कड़वा है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक में यहाँ देखिए दिया हुआ है, कलर द स्लोगन, आई एम ए स्पेशल, आई एम स्पेशल, इसको आपको कलर करना है, ठीक है। ये आप जो है अपने बुक में अच्छे से कलर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको होमवर्क हम फिर दे देंगे। गुड डे।